हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम दी इनफ। फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर का हिस्ट्री का लेसन 17 करने जा रहे हैं। इस लेसन 70 का जैसे कि फ्रेंड्स नाम द्वितीय अफगान साम्राज्य है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने 1 से लेकर 16 तक के चैप्टर्स कर चुके हो, ये 17वां चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पीछे की वीडियोज़ देख ले, जिससे आपके माइंड में क्लियर रहें पीछे के टॉपिक्स और ये आगे कर सके इजीली। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का जैसे कि नाम है द्वितीय अफगान साम्राज्य। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अफगान साम्राज्य है क्या, तो फ्रेंड्स जो अफगान के लोगों के द्वारा जो आकर भारत के अंदर में साम्राज्य स्थापित किया गया वो अफगान साम्राज्य कहलाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर जाना जाता है तो शेर शाह का नाम आता है। ठीक है, शेर शाह, ठीक है, सबसे बड़ा जो अफगानी राजा के तौर पर माना गया, अफगानी बादशाह के तौर पर माना गया, वो शेर शाह का नाम आया, जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और शेर शाह ही आगे चलकर, मतलब शेर खा ही आगे चल के शेर शाह के नाम से जाना गया। ठीक है, जब वो अपने आप को बादशाह घोषित करता है तब। और शेर शाह अच्छा खासा राजाओं में से एक था, बादशाहों में से एक था फ्रेंड, जिसके शेर शाह के द्वारा कई तरह के कार्य किए गए। उन कार्यों को ही लेकर एक क्वेश्चन बनता है कि शेर शाह की सुधार नीति क्या थी। ठीक है, शेर शाह ने सुधार नीति, क्वेश्चन अगर बात करूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन की इस चैप्टर की, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है शेर शाह की सुधार नीति। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर में, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, शेर शाह की सुधार नीति के बारे में आता है। और हो सके तो सुधार नीति में जो जो चीज़ें हैं उनमें से एक टॉपिक लेके टिप्पणी के लिए दे सकता है, कुछ और दे सकता है, पर फ्रेंड्स यही क्वेश्चन बनता है और उसके अलावा कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो फटाफट हम करते हैं शेर शाह की सुधार नीति। जैसा कि बताया मैंने, शेर शाह क्या था, एक अफगान राजा था जिसने हुमायूं के टाइम पर आता और हुमायूं से प्रतिद्वंदी करते हुए बहुत ज़्यादा हुमायूं को, तो मुगल साम्राज्य को विस्तार को, मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोकता है, प्रभावित करता है। ठीक है, और शेर शाह जो होता है उसका पहला नाम शेर खा था, उसने बाद में जब अपने आप को बादशाह घोषित करता है तो शेर खा से शेर शाह हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम अगर इसके सुधार नीति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला इसका सुधार नीति के तौर पर जो जाना जाता है वो भू प्रशासन व्यवस्था होता है। भू मतलब जमीन होती है फ्रेंड्स, तो भू प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना शेर शाह की जो हम नीति के बारे में बात करते हैं, तो भू प्रशासन व्यवस्था सबसे मेन है, जिसके अंदर में ना भू जमीन को लेकर उन्होंने नीति बनाई। इससे पहले भी जो बादशाह थे उनकी भी नीतियाँ थी जमीन को लेकर, पर इन शेर शाह ने उनसे अलग नीति बनाते हुए उनकी कमियों को दूर करते हुए भू प्रशासन व्यवस्था पर विशेष जोर दिया, और उसके कारण जो किसान थी और अपनी कर व्यवस्था को इंक्रीज किया, बढ़ाया जो कर आती थी ना, जो राजस्व था अपना, राजस्व को बढ़ाया। क्योंकि अगर उन्होंने भू व्यवस्था में नीतियों में सुधार किया, इन नीतियों में क्या किया उन्होंने, सुधार करने के कारण क्या हुआ कि जो उनका कर था या राजस्व था, राजस्व में क्या हुआ वो बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, जो राजस्व था, जो टैक्स मिलता था, जो इकट्ठा होता था इनकम, उसमें इनकम में उनकी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो किस किस तरह के सुधार किए गए भू राजस्व प्रशासन व्यवस्था में, पहला अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बटाई। ठीक है, बटाई भू राजस्व व्यवस्था के थ्रू ना बटाई की शुरुआत की गई। ठीक है, बटाई क्या होता है, तो बटाई मतलब ना दो तरह से, जो टैक्सेस दिए जाते थे ना लोगों के द्वारा, जो टैक्स दिया जाता था सरकार को, जो कर दिया जाता था, चुकाया जाता था किसानों के द्वारा, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा जो भू जमीनों का टैक्स दिया जाता था, तो किस तरह से देते थे, तो सरकार ने दो तरह की नीतियाँ इसमें अपनाई। पहले ये कि पुलियाँ बनाकर जो पुलियाँ गांठ होते हैं ना, जो मान लो जो जैसे मान लो धान है, आपने गेहूं या धान, तो उसकी 15-16 बालियों को ऐसे इकट्ठा करके मोड़ कर एक गेट जैसा बना देते हैं, गांठ जैसा बना देते हैं, जिसे पुलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलियाँ। ठीक है, तो उन्होंने ये नीति बनाई कि अगर मान लो किसी किसान की 100 टोटल एक पूरे खेत में टोटल 120 पुलियां पैदा हुई है, टोटल 120 पुलियां बनी, तो 20 पुलियां का ना एक चौथाई मतलब देना है उसको, मतलब 30 पुलियां सरकार को आप सबमिट करवा दो, आपका ये टैक्स है। पहला तो ये था, पहला तरीका ही रखा गया बटाई में कि आप 120 पुलियां मान लो टोटल हमारे किसी खेत में, कितनी बड़ी खेत है, टोटल इसके अंदर टोटल 120 पुलियां बनी। ठीक है, 120 पुलियां बनी, तो 120 पुलियां में से 30 पुलियां सरकार के पास आप सीधा पहुंचा दो, बस आपका टैक्स खत्म। पहली तरीका ये अपनाया गया। दूसरा तरीका इसके अंदर में ये अपनाया गया कि मान लो जितना भी आपने पुलियां बनी उससे हमें मतलब नहीं है, आप क्या करो अनाज निकालो, अनाज निकालने के बाद उसका जो मतलब जो एक चौथाई होगा, जो 30% होगा, जो भी होगा, ठीक है, जिस तरह से 120 का 30 पुलियां थी, तो उसी के हिसाब से ना अंदाजा लगाकर अनाज कितना होगा और राजा के पास पहुंचा दो, तो ये बटाई कहलाई। ठीक है, तो इस नीति के थ्रू ना राजा के जो राजस्व में था उसकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अगर उसके बाद आप बात करते हो इसके अंदर में, तो कानून एक दूसरी यहाँ पे व्यवस्था आता है जिसको कनकुत कहते हैं। कनकुत
ये कनकुत होता क्या है, कनकुत के अंदर में क्या हुआ कि इसके अंदर में अनुमान अनुमानित अनुमान इसके अंदर में क्या हुआ कनकुत के अंदर में कि मान लो कोई खेत है, कोई जमीन है, उसको मैं गया, उसको मैंने एनालाइज किया कि अच्छा इस जमीन में टोटल 40 किलो मान लो चावल धान जो भी उगना है, दाल उगना है, 40 किलो उगेगा, 40 किलो उगेगा तो 5 किलो मुझे राजा को पहुंचाना है, मतलब एक अनुमानित तौर पर तय कर दिया गया। अगर अब 40 किलो से कम भी होता है ना तो भी आपको राजा को इतना ही पहुँचाना पड़ेगा, ये क्योंकि अनुमानित तौर पर कनकुत व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है, जिससे इनके रास्तों में बढ़ोतरी हो रहा था। सपोज करो मान लो किसी का खेत में गया देखने के लिए, वहां पे मैंने देखा तो देखने में लगा कि यार इसमें तो 50 किलो करीब में अनाज उगेगा, और ना किसी कारण से मान लो अनाज ना 50 से वो कम होकर 50 से कम होकर मान लो 45 हो गया या 48 हो गया, 2 किलो कम हो गया। जरूरी नहीं कि हर बार कमी होता होगा, बढ़ता भी होगा, क्योंकि अंदाजी तो लगा रहे हैं इसमें, बढ़ता भी होगा, फायदा भी था लोगों का, तो इसमें मान लो कम हुआ, पर ज़्यादातर टाइम क्या होता था कम होता था, क्योंकि अंदाज लगाने में हमेशा वो दो ज़्यादा ही लगाते थे। अब कम हो गया तो कम होने के बाद तो भाई वो नहीं देखेगा राजा कि 48 तो उसके हिसाब से दो, बोलेगा 50 था तो मुझे 5 दे रहा था तो अभी भी 5 ही चाहिए भाई मुझे, 5 किलो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें की जाती थी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसमें जो चैप इंपॉर्टेंट है यही एक नीति व सुधार नीति वाला ही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम तीसरी चीज़ के बारे में, अगर तीसरा रूल की अगर बात करते हैं तो मापन विधि या जब्त के बारे में बात करते हैं, मापन मापन विधि या फिर जब्त। मापन विधि के अंदर में हम कई सारी चीज़ों के अध्ययन करते हैं। मापन विधि के अंदर में क्या हुआ कि खेत, जो भी खेत हुआ करते थे, जमीन होते थे, पहले उसका एनालाइज करो, ठीक है, पहले उसका विश्लेषण करो, एनालाइज करो, मापो कि कितना जमीन है, क्या है, उसके हिसाब से उसके ऊपर कर लगाओ। ऐसी अंदाज पे कैसे कर, मतलब बिना मापे आप कर कैसे लगा दो। मान लो आप, मैं आपके पास गया, सरकार ने मुझसे पूछा कि टैक्स, मान लो मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, तो मैं सरकार ने मुझसे पूछा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या है, तो मैंने बोला 4-5 इतना इतना ज़मीन है, बस बता दिया, तो सरकार क्या मेरी बातों पर विश्वास करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार क्या कहता है कि आप लिखित प्रमाण पत्र दो, जो ज़मीन के प्रूफ हैं वो लेकर आओ, जिससे हम एनालाइज करेंगे, अच्छा आपके पास इतनी ज़मीन है तो इतना टैक्स होगा, ऐसी बातों पर सुन के तो नहीं करता ना। तो सेम वहाँ पे मापन विधि या जब्त का शुरुआत किया गया, जिसके अंदर में मापन विधि के अंदर में पहले जमीन को पूरा मापा गया, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर कर लगाया गया, जिसके अंदर में क्या हुआ हर एक व्यक्ति का अलग कर टैक्स था। और मापन विधि नहीं होने के कारण क्या होता था कि अगर मान लो एक व्यक्ति गया, उसने बोला कि मेरे पास इतना ज़मीन है, दूसरा व्यक्ति गया उसने भी बताया, उसने और कम बता दिया, और जबकि ए वाले के पास कम ज़्यादा था और बी वाले के पास कम था, या जो भी था, हर व्यक्ति तो सच बोलेगा नहीं ना, तो उसके कारण भी क्या हुआ सही कर नहीं मिल पाता था। पर मापन विधि के कारण क्या हुआ कि एक सही नियमित कर, जो निश्चित कर होता था, वो राजा को प्राप्त होने लगा, मतलब राजस्व में बढ़ोतरी होने लगी। जो मापन और जब्त विधि के अंदर में क्या चीज़ें तय की गई कि जमीन का जो होगा ना, जमीन का पैमाइश की जाएगी। पैमाइश पैमाइश क्या होता है कि जमीन का मापन किया जाएगा, पैमाइश किया जाएगा, पैमाइश के आधार पर जमीन के तय किया जाएगा कि उसके अंदर कितना कर लगाया जाना है, ठीक है। और जब उसमें पैमाइश करते समय ये भी रखा गया कि पहली शर्त के आधार पर ये भी, मतलब पैमाइश के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी, जो टैक्स हो जाएगी ना वो पैमाइश के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और इसमें फसलों का दर निश्चित किया गया, इसमें जो फसल के दर होते थे ना, दर कीमत, वो निश्चित किया गया पैमाइश में, मतलब मापन विधि में दर निश्चित किया गया फसलों के, कितनी दर है तो उसके हिसाब से लगेगा। जो पैमाइश थी हर जगह, जो मापन विधि थी वो हर जगह लागू नहीं हो सकता था, ये सिर्फ उपजाऊ भूमियों पर लागू होता था, उपजाऊ भूमियों पे लागू होता था, जहाँ पे जिसका कुछ पैदावार हो। अगर मान लो मैं किसी ज़मीन पे ऐसी लगा दूँ जिसका कोई कोई फायदा ही ना हो, तो उस पर फ़ायदा क्या हो, मतलब सरकार को टैक्स देने का फ़ायदा क्या। अगर किसी जगह पे कोई की, मतलब फ्रेंड्स एग्जांपल दो, तो अगर मान लो कोई मेरी फैक्ट्री है, उससे 1 भी रुपया आता नहीं है, कोई ऐसी बंद पड़ी है, तो उसका टैक्स भर के मुझे फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो सेम इस तरह की चीज़ें, जिसका उपजाऊ होता था उसी के ऊपर लगाया गया, जिससे वो लोगों को इनकम हो रही है उनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। और जो पैमाइश थी ना, उन खेती बार पैदावार पे लगाया गया था जिसमें ठीक ठाक बढ़िया खेती होती थी और अच्छी, मतलब ना, मतलब ये सिर्फ उन खेतों पे लगाया गया जिन पे अच्छी खासी ठीक ठाक खेती होती थी। और खेतों का ना मतलब क्या क्या वर्गीकृत किया गया इसके अंदर में, पैमाइश और जब्त विधि में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, ठीक है, खेतों को बांटा गया, जिसके अंदर में वर्ग बनाया गया, 3 पार्टों में खेतों को बांटा गया, ठीक है, 3 अलग अलग पार्टों में, जिसमें क्या था, 3 अलग अलग पार्टों में बात करते हैं तो उत्तम 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 पार्ट, मतलब खेतों को 3 पार्टों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला आता है उत्तम, उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, जो क्वालिटी का निकल रहा खाना, जो मतलब वो निकला वो उत्तम कहलाया। अगर दूसरे, अगर इसके अंदर में बात करते हैं तो मध्यम आया, ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा इसके अंदर में आता है फ्रेंड्स, जो दोनों मतलब उत्पादों में कम भूमि, कम उत्पाद वाली भूमि, ठीक है, कम उत्पाद वाली भूमि, कम उत्पाद भूमि, ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्टों में बांटा गया, उत्तम जो बहुत अच्छी फसल जिसमें पैदा होती हो,
मध्यम जो नॉर्मल हो, मिडिल में हो, और कम उत्पाद वाली भूमि जो इसका एकदम बहुत कम होती है, तो इसके आधार पे भी इसमें मापन विधि के अंदर में टैक्सेस लगाए जाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अगला इसके अंदर अगर बात करते हैं भू प्रशासन व्यवस्था के अंदर में, अगला अगर पॉइंट इसके देखते हैं तो इसके अंदर में आता है लगान की, लगान वसूली वसूली। ठीक है, लगान वसूली। लगान वसूली की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर ये तय किया गया कि जो भी किसान हैगा वो किस वे में अपना कर चुकाएगा, अनाज के तौर पर, अनाज के तौर पर, कैश, नगद के तौर पर, नगद के तौर पर किस तरीके से, मतलब वो अपना कर चुकाएगा। जो भी, अगर मान लो किसी ने बोला अनाज के तौर पर, किसी ने बोला कैश के तौर पर, अगर जिसने कैश बोला तो उसको लाइफ टाइम कैश के तौर पे देना पड़ेगा, जिसने अनाज बोला उसको वही देना पड़ेगा। तो इस तरह से लगान वसूली की भी लिए किया गया, और इनके ऊपर सख्तियाँ की गई, जो इनके बीच में मीडिएटर होते थे या जो चीज़ होते थे प्रशासनिक जो लोग होते थे उनको कम किया गया। ठीक है, जो बिचौलिए होते थे उनको कम किया गया, ये सब चीज़ें। और सरकार ने ये तय किया गया कि जो भी आपका औसतन, मतलब जो भी उपज होगा, किसी भी किसान का उपज, जो भी किसी किसान का उपज हुआ है, उस किसान के उपज का एक तिहाई हिस्सा सरकार के पास जाएगा, 1/3 जाएगा। और औसतन, उसका मतलब औसतन उपज ना निकाला जाएगा, पहले पूरा एवरेज प्रोडक्शन निकाला जाएगा कि कितना पैदा हुआ है आपका, फिर उसका 1/3 भाग सरकार के पास जाके सबमिट करवा दो। बस इस तरह से कुछ चीज़ें रखी गई, मतलब जिसके अंदर में तय की गई। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आपका ये मतलब व्यवस्था था उसके सिरसा के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर में आगे करते हैं, और इसके अंदर में अगला आता है सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था की अगर बात करते हो तो सैनिक व्यवस्था है क्या, तो सैनिक व्यवस्था के अंदर हम बात करते हैं कि उसकी करीब 4 लाख, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सैनिक थे उनके पास। ठीक है, जिसमें 25,000 पैदल सैनिक थे जिन्हें प्यादा कहा गया, घुड़सवार थे। ठीक है, 5,000 से ज्यादा हाथी थे, और करीब 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा उसके पैदल सैनिक थे। ठीक है, घुड़सवार थे, 1.5 लाख से ज़्यादा घुड़सवार थे। घुड़सवारों के लिए भी एक व्यवस्था किया गया, दाग जैसी व्यवस्था अपनाया गया। दाग होता क्या है, तो घुड़सवारों के ऊपर दागा जाने लगा जिससे घोड़े को पहचाना जा सके कि ये उनका घोड़ा है, और साथ साथ घुड़सवारों को भी उनके चेहरे और उनके मतलब बॉडी किस तरह से, उनका बनावट है, फेस बनावट क्या है, उनके मतलब निशान उनको लिखा जाने लगा जिससे ना पहचाना जा सके अच्छा कि ये घोड़ा इस घुड़सवार का है। ठीक है, घुड़सवारों का भी चेहरे का लिखा जाने लगा। तो इस तरह की चीज़ें अपनी व्यवस्था में विस्तार के लिए किया गया। और सैनिक व्यवस्था के लिए उन्होंने ये भी चीजें ध्यान रखी गई कि जो सैनिक मार्च होता था या फिर एक जगह दूसरी जगह युद्ध के समय में जाना आना, या सैनिक जो कार्रवाई होती थी, सैनिक कार्रवाई में ये ध्यान रखा गया कि किसानों को किसी तरह से नुकसान ना हो। ठीक है, वो खेतों से दूर सैनिकों को रखा जाता था, क्योंकि अगर सैनिक वहां से गुजरेंगे तो किसानों को नुकसान होगा। तो इस तरह की चीजों पर सिरसा के द्वारा विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि अगर उनका नुकसान होगा तो फिर कर वो पे नहीं कर पाएंगे, फिर आपका नुकसान होगा। तो इस तरह से सिरसा ने बहुत ज्यादा इसका विशेष ध्यान रखा। अगला अगर हम इसके अंदर बात करते हैं फ्रेंड, तो इसके अंदर में आता है सड़कों का निर्माण, जो सिरसा के द्वारा करवाया गया। और जो सबसे मेन जो चीजें थी सिरसा के टाइम पे, वो सड़कों का निर्माण ही था, सड़कों का निर्माण। ठीक है, अगर सड़कों का निर्माण के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि शेरशाह ने पूरे भारत के अंदर में, जहाँ तक इसका साम्राज्य रहा, चाहे आप बंगाल से लेकर बिहार की बात करो, बिहार से गुजरात की बात करो, इन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों का जाल बिछाया, जिसके थ्रू क्या होता था, मेन कारण क्या था सड़कों बनाने का, कि व्यापारी वर्ग को प्रभावित करना, जो व्यापारी लोग थे उनको प्रभावित करना। ठीक है, और ना विदेशी व्यापारी आ रहे थे तो उनको भी मोहित करना, मतलब प्रभावित करना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, रास्तों में बढ़ोतरी करना, ये सब मेन चीज़ें थी जो सड़क निर्माण का कार्य किया गया। अगर सड़क था तो दूर दूर से व्यापारी से व्यापार करने के लिए आ रहे थे, जिससे उनके रास्तों में बढ़ोतरी हो रहा था। तो इन्होंने सड़क निर्माण पर मेन कार्य किया, और सड़क निर्माण का ये भी दिखा गया कि अगर सड़क निर्माण सही है तो आपात की स्थिति में हमें फ़ायदा होगा, पहुँचेगा, एक जगह दूसरी जगह जाने में टाइम कम लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी शेरशाह के द्वारा देखी गई या फिर उसके द्वारा किया गया। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर इसके बाद आगे बात करते हो तो यहाँ पे सिरसा की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में आता है। अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है सिरसा की प्रशासनिक प्रणाली। अगर प्रशासनिक प्रणाली की बात करते हो तो यहाँ पे प्रशासनिक प्रणाली 3 तरह से बांटा जाता है, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है, स्थानीय, तो पहले सबसे पहले स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली समझ लो। स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली मतलब क्या होता है कि स्थानीय तौर पे भी ना उन्होंने लोगों की भागीदारी निश्चित करना शुरू किया सिरसा के द्वारा, जिसके अंदर में क्या हुआ, स्थानीय तौर पे भागीदारी, मतलब ना जो ग्राम में, एक किसी गाँव में जो ग्राम पंचायत के लोग हुए, या फिर गाँव के मुखिया, या फिर वहाँ पर पटवार, या फिर जो छोटे मोटे जो किसान, या फिर भूमि जमींदार,
ये सब जो भी हुए ना, इनकी ना एक भागीदारी निश्चित की गई, ये इनको एक तरह से पद जैसे प्राप्त किया गया या फिर इनको अधिकार दिया गया कि आपके पास ये राइट्स है, आज से आप ये काम कर सकते हो या करवा सकते हो, आपकी बात लोग मानेंगे। तो इस तरह की चीज़ें स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिसमें लोगों के लिए समस्या समाधान के लिए भी पंचायत के जैसे चीज़ों का निर्माण करवाया जाना, या फिर उनके गाँव के जो मुखिया या जो हेड होता था गाँव का, उसके ऊपर अधिकार दिया जाना, फैसले लेने का अधिकार दिया जाने जैसे चीज़ें की गई। जबकि वो सरकारी तौर पर नियुक्त नहीं किए जाते थे, पर फिर भी उनको अधिकार दिया जाने लगा, जिससे प्रशासन के ऊपर कम प्रभाव पड़े। ठीक है, दूसरी अगर बात करते तो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, ऐसा कई जगह माना जाता है प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के अंदर में कि शेरशाह के टाइम पे प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था नहीं था, पर फिर भी कई सारे किताबों और कई सारे जो थे विचार जो अध्ययनकर्ता थे, उन्होंने ये बताया कि शेरशाह के टाइम पे कुल 66 सरकारों को नियुक्त किया गया। मतलब ना किसी राज्य के अंदर में क्या होता था, उसको 66 पार्ट में बांट दिया गया, जिससे 66 अलग अलग राज्य राजा नियुक्त कर दिया जाता था या फिर सरकार नियुक्त की जाती थी कि आप इस जगह को पूरा देखोगे, इस तरह से आपका एक काम है आज से, तो इस तरह से किया गया, जो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था कहलाता था। कई जगह के माना जाता था कि सिर्फ अगर दूर दराज के इलाकों में बात करोगे तो वहां पे 19 बंगाल के दूर दराज इलाकों में 19 सरकारें नियुक्त की गई थी, 19 सरकारें सिर्फ बंगाल में नियुक्त की गई थी, जो उसकी प्रशासन स्थानीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को देखभाल करती थी। जैसे आज यहाँ पे जिला कलेक्टर होते हैं ना, तो उस तरह से वो कलेक्टर के तौर पे नियुक्त किए जाते थे, जो पूरे उस एरिया का मुआयना करते, देखभाल करना, क्या कैसे चल रहा है, वो सारे पे नज़र रखना किया जाता था। अगर अगली बात करते हैं इसके अंदर में तीसरी व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था भी आता है। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के अंदर में ना, इन्होंने मंत्री या फिर अपने साम्राज्य में दूसरे चीज़ों पर भरोसा ना करके सारा कुछ राजा के हाथ में, बादशाह के हाथ में रखा गया, सारे पावर बादशाह के हाथ में थी, जिसके अंदर में शेरशाह ने किसी भी मंत्री या किसी भी पद को निर्वाचित नहीं किया, और उसने सारा पावर बादशाह के हाथ में रखा, और खुद भी वो बहुत ज़्यादा वर्क करता था, जिसके हिसाब से वो प्रभावशाली राज्य स्थापित करने में सक्षम हो सका। तो फ्रेंड्स, ये टोटल आपका शेरशाह के पूरा ये बताया गया है, शेरशाह के टाइम का कि किस तरह से शेरशाह के सुधार नीति थी, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, 15-20 नंबर का आता है 16 में क्वेश्चन, अच्छे से लिख सकते हो, आई होप सो। और फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो कोई टॉपिक में, कोई टॉप पॉइंट्स नहीं समझ में आया, तो देन यू कैन कमेंट मी, आई विल आंसर योर ऑफ योर कमेंट। और फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, डाउटफुल है, देन यू कैन कमेंट, आई विल आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिन्हों जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनको जरूरत है इन वीडियोज़ की, तो प्लीज़ टेल देम, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।